नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों, आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप ऑफ कॉम्बो मशीन कितने प्रकार के होते हैं और किसी भी कॉम्बर मशीन का कॉमन स्ट्रक्चर क्या होता है। तो गाइज, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूँ, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइज, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख भी पा रहे हैं, आज के डिस्कशन का टॉपिक है टाइप ऑफ कॉम्बिंग मशीन एंड कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्बिंग मशीन। तो गाइज, हमारी इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉम्बिंग मशीन अवेलेबल हैं। तो जो भी कॉम्बिंग मशीन हमारे इंडस्ट्री में यूज होते हैं, तो उनके जो प्रकार हैं वो मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं। तो देखिए गाइस, पहला आपका कॉम्बर होता है, रेक्टिलिनियर कॉम्बर मशीन होता है। दूसरा होता है सर्कुलर कॉम्बर मशीन। तीसरा होता है रोटरी कॉम्बर मशीन और चौथा होता है आपका हैकलिंग मशीन। तो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ जो आपका कॉम्बर मशीन होता है उसका कॉमन स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। हमारी जो कॉम्बिंग मशीन होती है तो उसका जो कॉमन मैकेनिज्म होता है किस प्रकार का होता है और किसी भी कॉम्बर मशीन के अंदर कौन कौन से सिस्टम लगे होते हैं। तो गाइस देखिए, पहला होता है आपका फीडिंग सिस्टम, दूसरा होता है आपका निपर प्लेट, तीसरा होता है आपका कॉम्बिंग सिस्टम, चौथा होता है आपका डिटैचिंग रोलर सिस्टम और पांचवा होता है आपका वेस्ट रिमूवल सिस्टम। तो गाइस देखिए, यहाँ पे जो पहला सिस्टम होता है वो फीडिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका फीडिंग सिस्टम क्या काम करता है। द फीडिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए फीड प्लेट एंड फीड रोल। जो हमारा फीडिंग सिस्टम होता है गाइस, उसके अंदर एक तो फीड प्लेट लगी होती है, एक फीड रोलर होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द फीडिंग एलिमेंट इज टू फीड द कॉम्बर लेव इन ए सीरीज ऑफ शॉर्ट लेंथ। तो जो हमारा फीडिंग सिस्टम होता है उसका काम होता है कि वो कॉम्बिंग के दौरान जो आपका सलाइवर लेप होता है या कॉम्बर लेप होता है उसको छोटे छोटे लेंथ में फीड करता रहता है और वो कंटिन्यूस फीड करता है। टू टाइप ऑफ फीडिंग सिस्टम आर यूज्ड देयर इन कॉम्बिंग प्रोसेस। तो गाइस, ये जो कॉम्बिंग प्रोसेस के अंदर जो फीडिंग सिस्टम होता है वो दो प्रकार का फीडिंग सिस्टम होता है। तो दोनों तरीके के मैंने फीडिंग सिस्टम बताए हुए हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे पहला होता है आपका कॉन्करेंट फीड। तो कॉन्करेंट फीड में क्या होता है, इन दिस काइंड ऑफ फीडिंग सिस्टम द लेफ्ट सीड फीडिंग गेट्स ऑकर्ड व्हाइल द निपर प्लेट्स गेट रिमूव्ड टुवर्ड द डिटैचिंग रोल्स ऑफ द कॉम्बर मशीन। तो गाइज, ये जो कॉन्करेंट फीडिंग सिस्टम होता है तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी फीडिंग होती है उस कंडीशन में होती है जब आपके जो निपर प्लेट होते हैं वो आपके डिटैचिंग रोलर की तरफ होते हैं, तब आपकी फीडिंग होती है। मतलब जो आपकी निपर प्लेट होती है उसकी पोजीशन टुवर्ड द डिटैचिंग रोलर होती है। दिस काइंड ऑफ फीडिंग सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड फॉरवर्ड फीडिंग सिस्टम। और ये जो कॉन्करेंट फीडिंग सिस्टम होता है इसको फॉरवर्ड फीडिंग सिस्टम भी बोला जाता है गाइस। अब दूसरा होता है आपका काउंटर फीड। तो गाइस देखिए, काउंटर फीड क्या होता है, इन दिस काइंड ऑफ फीडिंग सिस्टम द लेफ्ट सीड फीडिंग गेट्स ऑकर्ड व्हाइल द निपर प्लेट रिटर्न टू देयर बैकवर्ड पोजिशन। तो ये जो काउंटर फीड होता है गाइस, इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी लेफ्ट की फीडिंग होती है तभी होती है जब आपके निपर प्लेट होते हैं वो अपनी जो पुरानी पोजिशन थी या बैकवर्ड पोजिशन थी उसमें लौट आते हैं। अब गाइस देखिए, आपका दूसरा सिस्टम होता है निपर प्लेट्स। तो देखिए, निपर प्लेट्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। द निपर प्लेट्स बिलो टू ग्रिप द फाइबर। तो गाइस, ये जो निपर प्लेट्स होते हैं तो ये फाइबर को पकड़ के रखते हैं। द निपर प्लेट्स होल्ड द नॉर्मल लेंथ एंड लॉन्ग स्टेपल फाइबर व्हेन द शॉर्ट फाइबर नेव्स एंड ट्रेस प्रेजेंट इन द कॉटन गेट रिमूव। तो क्या होता है गाइस, ये जो आपकी निपर प्लेट होती है वो आपके नॉर्मल लेंथ के फाइबर को और लॉन्ग स्टेपल फाइबर को ग्रिप करके रखती है। जब आपके लैप से या फाइबर से आपके जो शॉर्ट फाइबर होते हैं वो रिमूव हो रहे होते हैं, ट्रेस रिमूव हो रहा होता है या आपके नेफ्स वगैरह होते हैं वो बाहर निकाले जा रहे होते हैं, तब आपका जो निपर प्लेट होता है आपके
जो नॉर्मल लेंथ के फाइबर होते हैं या लॉन्ग स्टेपल लेंथ के फाइबर होते हैं उनको अच्छी तरीके से पकड़ बना के रखता है। गैस अब आपका तीसरा होता है कॉम्बिंग सिस्टम। तो कॉम्बिंग सिस्टम में देखिए गैस, द कॉम्बिंग सिस्टम परफॉर्म कॉम्बिंग एक्शन ऑन द कॉटन सीड। तो जो हमारा कॉम्बिंग सिस्टम होता है किसी भी कॉम्बिंग मशीन के अंदर, तो उसका मेन काम होता है कि वो अपने कॉटन सीड की अच्छे तरीके से कॉम्बिंग करता है। द कॉम्बिंग एक्शन हेल्प टू एलिमिनेट द शॉर्ट फाइबर नैप्स एंड ट्रेस प्रेजेंट इन द कॉटन। और ये जो कॉम्बिंग एक्शन होता है किसी भी कॉम्बर मशीन के अंदर, तो उसका काम ये होता है कि जब आपकी कॉम्बिंग हो रही होती है तो आपका कॉम्बिंग सिस्टम आपके कॉटन स्लाइवर से जितने भी शॉर्ट फाइबर होते हैं उनको निकालता है, अलग कर देता है, नैप्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है, जो ट्रेस परसेंट होता है उसको भी बाहर कर देता है। इट आल्सो हेल्प टू ऑप्टिमाइज द पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द फाइबर इन द स्लाइवर। और ये जो कॉम्बिंग सिस्टम होता है उसका दूसरा काम ये भी होता है कि वो आपके स्लाइवर के अंदर जो फाइबर प्रेजेंट होते हैं उनको मैक्सिमम पैरेलल बनाता है, मतलब आपका फाइबर का अरेंजमेंट पैरेलल हो जाता है अलोंग द लेंथ ऑफ द स्लाइवर। गाइस अब देखिए, जो हमारा कॉम्बिंग सिस्टम होता है उसके अंदर कितने कॉम्ब लगे होते हैं और उन दोनों कॉम्ब का क्या फंक्शन होता है। तो गाइस देखिए, एक होता है आपका मेन और प्राइमरी कॉम्ब। तो क्या होता है ये, द फर्स्ट वन इज ए रोटेटिंग बॉटम सर्कुलर कॉम्ब। तो ये एक सर्कुलर कॉम्ब होता है और ये रोटेट करता है। इट परफॉर्म द मेन कॉम्बिंग एक्शन इन द लेफ्ट सीड। और ये जो मशीन के अंदर मेन कॉम्बिंग एक्शन होता है तो यही आपका जो प्राइमरी कॉम्ब होता है या मेन कॉम्ब होता है या जो सर्कुलर कॉम्ब होता है, तो इसी के माध्यम से आपके लेफ्ट के अंदर कॉम्बिंग एक्शन परफॉर्म किया जाता है। जो मेन कॉम्बिंग होती है वो आपके इसी कॉम्ब से होती है, मतलब प्राइमरी कॉम्ब से होती है। गाइस अब देखिए सेकेंडरी कॉम्ब। तो सेकेंडरी कॉम्ब क्या होता है, द सेकेंड वन इज ए लीनियर टॉप कॉम्ब। तो जो दूसरा होता है इसको सेकेंडरी कॉम्ब भी बोलते हैं। तो वो क्या होता है, एक कॉम्ब होता है, लीनियर टॉप कॉम्ब होता है। इट कंप्लीट्स द फंक्शन ऑफ द बॉटम कॉम्ब थ्रू वर्टिकल कॉम्बिंग मूवमेंट। तो ये क्या करता है, जो आपकी कॉटन सीट होती है उसको वर्टिकल कॉम्बिंग मूवमेंट देता है। गाइस अब आपका जो नेक्स्ट सिस्टम है उसका नाम होता है डिटैचिंग रोलर्स सिस्टम। तो देखिए गाइस, द डिटैचिंग रोल्स आर टू पेयर ऑफ ग्रिपिंग रोल्स। तो जो डिटैचिंग रोलर होते हैं उनमें क्या होता है, दो रोलर्स के दो पेयर होते हैं दैट रोटेट्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन इन इंटरमिटेंट फैशन टू होल्ड एंड मूव द कॉम्ब वेव फॉर ए नेट फॉरवर्ड ट्रेवल। तो जो डिटैचिंग रोलर होते हैं तो वो क्या करते हैं कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में वो मूव करते हैं, और ये जो मोशन होती है इंटरमिटेंट मोशन होती है। तो आपकी जो कॉम्बिंग के बाद में जो वेव निकलती है, जो फाइबर्स की वेव निकलती है, एक तो उसको होल्ड करके रखते हैं ये डिटैचिंग रोलर, और आपकी जो वेव होती है उसको आगे की ओर मूव भी कराते हैं। तो गाइस ये तो आपके किसी भी कॉम्बिंग मशीन के जो सिस्टम्स होते हैं या जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं। और हमने आपको यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, ये है आपका किसी भी कॉम्बर मशीन का स्कीमेटिक डायग्राम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका कॉम्बर मशीन कैसे काम करता है गाइस। तो यहाँ पे आप देखिए, ये है आपके, ये तो आपके गाइड रोलर होते हैं, आप देख रहे हैं इसी के ऊपर आपका जो लैप होता है, लैप रोलर रखा होता है। यहाँ पे आपकी फीट प्लेट होती है, मान लीजिए यहाँ पे फीट प्लेट है, इसके साथ में ही होती है, और ये है आपका फीड रोलर होता है। तो ये जो फीड रोलर होता है ये इस तरीके से इधर को मूव करता है, या मूव करता है तो आपका लैप है वो इस डायरेक्शन में, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। देखिए ये है आपकी टॉप निपर प्लेट है, ये देख लीजिए आपकी क्या है, ये यहाँ देखिए आप, तो देख लीजिए गाइस, ये है आपका ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये अपर निपर प्लेट है, मतलब ये मूवेबल होती है, ये ऊपर नीचे होती है। और ये है आपकी बॉटम निपर प्लेट है, तो यहाँ पे इसकी ग्रिपिंग होती है, ये है ना, ये पार्ट है, ये यहाँ पे इसको ग्रिप कर लेता है, ये वाला ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है, तो इसको पकड़ लेता है। और इसके बाद में ये आपका फीड रोलर तो घूम ही रहा, ये इसको ग्रिप करने का काम करता है। और ये होता है आपका, यहाँ देखिए आप, ये है आपका, ये बॉटम रोटरी कॉम्ब है। तो
जो आपका मेन एक्शन होता है कार्डिंग का वो इसी से होता है यहाँ पे, और ये वाला जो टॉप लीनियर कॉम्ब होता है वो इसको कॉम्बिंग ये भी करता है यहाँ पे, तो ये नीचे ऊपर आता है और अप डाउन होता है तब इसमें टच करता है ये, तब आपकी कॉम्बिंग होती है। और गाइस ये देखिए, ये है आपके डिटैचिंग रोलर्स हैं, तो दो पेयर लगे होते हैं, देखिए एक पेयर ये है डिटैचिंग रोलर का, एक ये है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से आपकी क्या बनती है, एक वेव बनती है, जब आपकी कॉम्बिंग होती है यहाँ पे, कॉम्बिंग हो रही होती है तो उसको ये होल्ड कर लेता है यहाँ पे, और यहाँ पे होल्ड कर लेता है, तो आपकी जो वेव होती है यहाँ पे होल्ड बनी रहती है। जैसे ही कॉम्बिंग एक्शन खत्म होता है इधर से क्या होता है फीडिंग होती है, जब फीडिंग होती है तो जो अनकॉम्ब्ड जो पार्ट होता है वो फिर से आपके जो बॉटम रोटरी कॉम्ब होता है उसके संपर्क में आता है, तो जो आपका कॉम्ब किया हुआ पार्ट होता है तो ये डिटैचिंग रोलर इसको मूव करते हैं। तो गाइस जब ये मूव करते हैं तो मूव करने में क्या होता है कि ये जो वेव होती है इसको फॉरवर्ड भी ले जाते हैं और इसको होल्ड भी करके रखते हैं, तो इस तरीके से आपका जो कॉम्बिंग एक्शन होता है वो परफॉर्म होता है। और ये गाइस ये होता ब्रोसिंग सिलेंडर होता है, तो ये आपका जो बॉटम रोटरी कॉम्ब होता है इसकी सफाई करता रहता है, इसमें कोई लिंट वगैरह फंस जाता है उसको निकालता रहता है। तो गाइस देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक का बटन दबाएं, और दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे कि मेरे आने वाले अपने वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।